परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमें प्रभु अनुग्रह देते हैं कि हम उनके वचन से मार्गदर्शन को पाएं, और ये बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के वचन को पढ़ें, मनन करें, जिससे कि हम परमेश्वर की आशीष को पाएं। ऑलवेज रिमेंबर, मेडिटेशन ब्रिंग्स रेवलेशन। हम प्रभु के प्रकाशन को पाते हैं जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। प्रियो, हम अंतिम दिनों में आ चुके हैं, अंतिम खत्म होने वाले दिनों में। प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातें आज हमारे दिनों में पूरी हो रही है। प्रभु यीशु ने कहा था, नूह के समान दिन होंगे, लूत के दिनों के समान वो दिन होंगे, और आज हम नूह और लूत के दिनों में की सब बातें अपने दिनों में देख रहे हैं। संसार चारों ओर आज पाप का गुलाम हो चुका है। लोग राग रंग और मौज मस्ती से ज्यादा प्रीति रखने लगे हैं। हर कोई अपने कामों में व्यस्त है, और जैसे कि वचन में लिखा है, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, कोई भी अपने जीवन को झांक कर देखने वाला नहीं कि मुझे अपने पापों से पश्चाताप करना जरूरी है। सच्चे परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि हम मनुष्य का जीवन हमेशा इस संसार पे अमर नहीं रहेगा। बाइबल कहती है, मनुष्य का एक बार मरना और मरने के बाद उसका न्याय का होना निश्चित है। सो प्रियो, आज का वचन जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, मैं उसे आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और प्रभु चाहते हैं कि आप अपना हृदय खोलें और विश्वास के साथ आज के संदेश को सुने और निर्णय लें कि आपको किस प्रकार का मनुष्य इन अंतिम दिनों में होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि बाइबल कहती है कि दाऊद परमेश्वर के मन का व्यक्ति था। जो वचन आज हम मनन करेंगे वो हमें मिलता है पहला योहन्ना 3 अध्याय उसके 13 पद में, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हाँ प्रियो, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखते हैं और ये कहकर कि प्रभु आज से आप ही हमारे जीवन के राजा हैं, आप ही हमारे जीवन के स्वामी हैं, और हम हमेशा आपके वचन के अनुसार जीवन को जिएंगे। जैसे कि पौलुस कहता है, मुझ में मैं जीवित नहीं रहा, परंतु अब मसीह मुझ में जीवित है। इस रीति से जब आप अपना समर्पण प्रभु यीशु मसीह को करते हैं, तब संसार आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। हाँ प्रियो, संसार आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। आपके अपने लोग, आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी या संसार में कोई भी लोग आपके विरोध में हो जाते हैं। वो क्यों आपके विरोध में हो जाते हैं? बाइबल ऐसा बताती है। पहला योहन्ना 3 अध्याय के 14 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। लोग हमारा विरोध इसलिए करते हैं, वो हमें इसलिए पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम उनकी सी बातें नहीं करते। अब हम उनकी सी विचारधारा में जीवन नहीं जीते, क्योंकि अब हम संसार से निकलकर, मृत्यु से निकलकर यीशु मसीह के द्वारा जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ प्रियो, प्रभु ने हमें अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा की है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा देता है। जैसे कि योहन्ना 3 अध्याय 16 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। ये पिता की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी सब संतानें अनंत राज्य को प्राप्त करे, उस स्थान में वो वास करे जहां स्वयं परमेश्वर रहता है, जहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। और इसीलिए हमें सुसमाचार सुनाया जा रहा है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे, जो कोई उसके क्रूस पर विश्वास करे कि उसने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, वो मनुष्य अनंत जीवन का सहभागी होगा। प्रियो, मैंने आपको बताया, हम हमेशा इस संसार में जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए बाइबल जैसा कहती है, ना तो इस संसार से प्रेम रखें, ना संसार में की वस्तुओं से, क्योंकि संसार में हम कुछ नहीं पाते,
हम इस संसार में केवल आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाओं और जीविका के घमंड और अहंकार को ही कार्य करते देखते हैं। इस रीति से हम अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाते हैं। यीशु ने कहा, मैं संसार का नहीं परंतु तुम संसार के हो। जो संसार का है वो संसार की बातें कहता है और जो स्वर्ग से आता है, ऊपर से आता है, वो स्वर्ग की बातें कहता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप संसारिक नहीं पर आत्मिक हो जाते हैं, परमेश्वर के व्यक्ति हो जाते हैं। आपकी विचारधारा बदल जाती है, आपकी बोलचाल बदल जाती है, आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। जैसे कि बाइबल कहती है, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले मनुष्य के रूप में बदल जाते हैं। और जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, ये शैतान को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो आपके आसपास के लोगों को लेकर आपका विरोध करता है। इस बात को याद रखें, बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य हमारा विरोधी नहीं है, मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है, मगर उस मनुष्य को इस्तेमाल करने वाली दुष्ट आत्माएं हमारा विरोध करती हैं, वो हमारी शत्रु है। इसलिए हमें लोगों से तो प्रेम करना है, परंतु प्रार्थना के द्वारा, वचन की आज्ञाकारिता के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमें उस दुष्ट का सामना करना है। बाइबल कहती है, इस रीति से जब हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं, तब शैतान हमारे जीवन से चला जाता है। ये दुष्ट को भली भांति मालूम है कि आपने जीवन के उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपने प्रभु स्वीकार किया है। वो ये जानता है कि आपने अपने पापों से मन फेरा लिया है, अब आप वचन के अधीनता में रहकर जीवन जिएंगे। इसलिए वो आपके लोगों के द्वारा आपका विरोध करता है, और जब लोग आपका विरोध करें, आपको सताएं, आपकी निंदा करें, आपके विरोध में झूठ बोलें, तो मत्ती 5 अध्याय में क्या लिखा है कि हमें आनंदित होना है। हमें आनंदित होना है, क्योंकि हमारा जब विरोध होता है तो हमें ये ज्ञात होता है कि हम संसार के नहीं, वरन यीशु मसीह ने हमें संसार में से चुन लिया है। जैसे कि यूहन्ना 15 अध्याय 16 पद में यीशु ने कहा, मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि प्रभु ने हमें चुन लिया। इसीलिए शैतान हमारा विरोध करता है, क्योंकि उसे मालूम है अब हम स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे, हम हमेशा के लिए अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और शैतान जो प्रभु का विरोधी है, परमेश्वर का विरोधी है, वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के राज्य में वास करें। इसलिए वो परमेश्वर की संतानों के पीछे पड़कर उन्हें नाना प्रकार की परीक्षाओं से घेरता है। यूहन्ना 10 अध्याय के 10 पद में लिखा है कि चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने आता है, परंतु यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बातायत से पाओ। Yes, he has come to give you life. यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए आया है, मगर शैतान इसी जीवन को आपसे छीनने के लिए आया है। इसलिए जब आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं, पाप से आजाद हो जाते हैं और पाप से आने वाली मृत्यु से आजाद होकर आप जीवन में प्रवेश कर रहे होते हैं, तब लोग आपका विरोध करते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि जब लोग आपका विरोध करें तो अचंभा ना करें कि कोई नई बात आपके साथ घट रही है, क्योंकि बाइबल बताती है उन्होंने यीशु मसीह का भी विरोध किया था। उन्होंने यीशु मसीह को यहां तक सताया कि उसे क्रूस पर लटका दिया। तो भी यीशु मसीह जानकर कि उनका विरोधी इंसान नहीं है, परंतु इंसान के पीछे वो आत्मिक अंधकार की शक्तियां हैं, इसलिए प्रभु ने प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने अचंभा नहीं किया, उन्हें मालूम था कि उन्हें इस रीति से सताया जाएगा, उन्हें दुष्ट सताएगा। प्रियो, जब आप जीवन को चुनते हैं, यीशु मसीह को चुनते हैं, शैतान आपका विरोध करेगा, वो लोगों को लेकर आपका विरोध करेगा। हो सकता है ये आपके हस्बैंड के द्वारा करे, आपके पत्नी के द्वारा करे, आपके माँ बाप के द्वारा, आपके लॉस के द्वारा, आपके साथ काम करने वाले लोगों के द्वारा आपका विरोध करे। इन लोगों से आपको नफरत नहीं करनी है, परंतु इनसे प्रेम करना है। आपने यीशु मसीह से जो नया स्वभाव पाया है वो इनके साथ शेयर करना है। आपके जीवन में जब ये प्रभु को देखेंगे, ये अपने आप बदल जाएंगे। मगर यदि जब ये आपका विरोध करे और आप भी इनका विरोध करें, तो आप में और शैतान में क्या फर्क रहा? इसलिए क्योंकि आप बदल चुके हैं, अब आपने जीवन के उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया है और अपने जीवन पर उनको राज्य करने दिया है, इसलिए ये हमेशा याद रखें कि शैतान आपका विरोध करेगा, वो आपके आसपास के लोगों को लेकर ही आपका विरोध करेगा।
तो अचंभा ना करें कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो पवित्र जीवन जी रहा हूं, मेरा विरोध क्यों हो रहा है, लोग क्यों मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। अचंभा ना करें, वरन बाइबल कहती है आनंद करें। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि आप प्रभु के लिए उसकी संतान होने के लिए बुलाए गए। यदि आप संसार के होते तो संसार आपसे प्रेम करता, संसार था, शैतान आपका विरोध फिर कभी नहीं करता। इस संसार में ढेर सारे लोग हैं जो बड़े आराम से जीवन को जी रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने संसार के सरदार शैतान से प्रेम किया है, अनजाने में वो उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। वो संसार उनकी बातों से बहुत प्रेम करते हैं, वो संसार से चिपके हुए हैं, इसलिए शैतान उनका विरोध नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि वो नर्क के रास्ते में। वो केवल उन्हें ही परेशान करता है जिसके विषय में उसे ये ज्ञान हो जाता है कि वो यीशु मसीह के खून से धुल चुके, साफ हो चुके, पवित्र हो चुके। क्या आज आपके आसपास के लोग आपको सता रहे हैं? आपके अपने घर के लोग आपको सता रहे हैं क्योंकि आपने यीशु मसीह को चुन लिया है? क्योंकि अब आप नई सृष्टि बन चुके हैं, आपके विचार बदल चुके हैं, आपके जीवन को जीने का तरीका बदल चुका है, पर अब लोगों को आपका ये नया स्वभाव पसंद नहीं आ रहा है। प्रियो, लोगों को नहीं, शैतान को आपका ये नया स्वभाव पसंद नहीं आ रहा है। वो चाहता है कि आप फिर से झूठ बोले, वो चाहता है फिर से वासना करें, वह विचार करें, आप घमंडी इंसान की माने जीवन जिए जैसे कि आप पहले थे। वो चाहता है कि आप शरीर के कामों में लिप्त हो जाएं और उन्हीं में लगे रहें जिससे कि आप मृत्यु को प्राप्त करें, अनंत मृत्यु को, जिसे बाइबल में नर्क कहा गया है। तो अचंभा ना करें कि लोग आपका विरोध कर रहे, परंतु खुश हो क्योंकि प्रभु ने आपको चुन लिया है, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। क्योंकि आप मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और इस रीति से आप अपने जीवन की आखिरी सांस तक सभी से प्रेम करते हैं, यहां तक कि आप अपने शत्रु से भी प्रेम करते हैं। That's the nature of God। प्रभु ने सिखाया है कि बुराई से मत हारो परंतु भलाई से उसको जीत लो। प्रिय बाइबल बताती है किस रीति से परमेश्वर ने हमें बचाया, अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। रोमियो 5 में ऐसा लिखा है, जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। परमेश्वर सर्व सामर्थी है, वो चाहता पलक झपकते हम सब लोग उस पर विश्वास कर लेते, परंतु वो हमें जोर और जबरदस्ती से नहीं, परंतु हमारे मन की इच्छा से हमें स्वीकार करना चाहता है। क्योंकि उसने हमें चुनने का अधिकार दिया है, उसने हमें विचार करने का अधिकार दिया है, क्योंकि हम उसकी स्वरूप और उसकी समानता में है, इसलिए वो चाहता है हम अपने खुद की मर्जी से उसे अपना प्रभु स्वीकार करें। इसलिए जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं कि उसने हमारे लिए क्रूस पे जान दी, उसने हमारे लिए आंसू बहाए, वो हमारे लिए सताया गया, हमारे पापों की सजा उसको दी गई, हमारे श्राप उसने अपने ऊपर उठा लिए, हमारी बीमारियों का बोझ उसने उठाया, तब वो हमें अनंत जीवन देता है। और ये अनंत जीवन जब हमें प्राप्त होता है, शैतान इसी का विरोध करता है क्योंकि वो ये चाहता है कि आप नर्क जाए। इसलिए प्रियो, क्योंकि आपने झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन त्याग दिया है और अब आपने प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को स्वीकार किया है, आप एक नई सृष्टि बन चुके, आपका मन नया हो गया है, इसलिए आप पाप की इच्छा और पाप की लालसा, पाप के मजे से अपने आप को बचाए रखते हैं और इस प्रकार से जीवन जीने से शैतान आपके जीवन पर प्रभुता नहीं कर पाता, इसलिए वो आपको परेशान करता है ताकि आप इन सब परेशानी में फंस कर अपने विश्वास को त्याग दें। ऐसी गलती कभी ना करें। बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। माई बिलीव्ड ब्रदर एंड माई बिलीव्ड सिस्टर, टिल द एंड ऑफ योर सिंगल ब्रीथ बी फेथफुल अनटू गॉड। विश्वास योग्य बने रहे, वो आपको जीवन का प्रतिफल देगा, जीवन का मुकुट देगा। इसलिए सबसे प्रेम करें, अचंभा ना करें। यीशु ने सिखाया कि जब तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला। परंतु संसार की शिक्षा क्या है? जैसा कोई आपके साथ करे वैसे आप उसके साथ करो। मगर प्रभु की शिक्षा ये है, प्रेम करो, धार्मिकता के लिए बलिदान हो जाओ, मगर धार्मिकता के लिए किसी को मारो नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि हम सबसे प्रेम करें, सबका आदर करें, किसी को तुच्छ ना जाने, किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने,
सब प्रभु की संतान है, सब एक ही ईश्वर के द्वारा बनाए गए और उसका नाम यीशु मसीह है। और बाइबल कहती है वो नहीं चाहता किसी का विनाश हो। आगे बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना 3:15 से, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हाँ प्रियो, यदि वाकई यीशु मसीह आप में वास करता है तो आपको सभी लोगों से प्रेम करना है, आपको सभी का आदर करना है। यदि आप नफरत करते हैं औरों के समान जो आपके जीवन को देखकर आपसे नफरत करेंगे, आपको ठेस पहुंचाएंगे और आप चाहते हैं आप भी उन्हें भी ठेस पहुंचाएं, तब आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। यीशु मसीह को देखिए, क्रूस पे प्राण देने तक ही वॉज वेरी फेथफुल। उसने क्षमा की प्रार्थना की, उसने करुणा दिखाई, उसने तरस दिखाई, प्राण त्यागने तक इस रीति से उसने अपना जीवन जिया। ठीक हमें भी ऐसे ही जीना है, जीवन की आखिरी सांस तक विश्वास योग्य पात्र बने रहना है, हमारे शत्रु के लिए भी हमें आशीष बन जाना है। बुराई से नहीं हारने को कह रहे हैं प्रभु, मगर भलाई से उसको जीतने के लिए कह रहे हैं। आप किसी भी बुराई को बुराई से नहीं जीत सकते। अगर ये ऐसा संभव होता तो परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर हमारे लिए मरने नहीं आता, मगर उसने प्रेम अपना इस रीति से दिखाया, हम पापी थे और उसने क्रूस पे जान दे दी, और उसके बलिदान से ही आज करोड़ों अरब लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हाँ प्रियो, परमेश्वर इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम में आया, थ्रू इस सेक्रीफाइस ही सेव्ड अवर सोल। आपको भी प्राण देने तक एक विश्वास योग्य जीवन जीना चाहिए, एक अच्छा पात्र बने रहना चाहिए, एक अच्छी गवाही बनकर आपको जीवन जीना है, यीशु मसीह की एक सच्ची जीवित पत्री बनकर आपको जीवन जीना है कि जो आपको देखे वो क्राइस्ट को देखे। यीशु ने फिलिपुस से कहा था, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। लोग जब आपको देखे तो वो यीशु को देखे, लोग जब आपसे बातचीत करें उन्हें ज्ञात हो कि वो मसीह से बातचीत कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ा क्रूस पे चढ़ाने के लिए, बाइबल बताती है जब वो हन्ना महायाजक के आंगन में था तो पत्रस को लोगों ने कहा तू भी उसी में से एक चेला है। पत्रस ने 3 शपथ खाकर कह दिया मैं उसे नहीं जानता हूं, मगर किसी ने वहां पत्रस से कहा तू भी उन्हीं में से एक है क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। उसका बोलचाल मसीह के जैसा था। वो यीशु के संग रहा था, बहुत करीबी के साथ उसका रिश्ता यीशु के साथ था, उसका जीवन बदल चुका था, उसकी बोलचाल बदल चुकी थी और उसकी बोलचाल से लोगों ने पहचान लिया कि वो यीशु के साथ रहा है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, आप अपने पापों से पछताए हैं, लोग आपके जीवन में यीशु को देख पाएंगे, आपकी बोलचाल के द्वारा, आपके जीवन को जीने के तरीके के द्वारा उन्हें यह मालूम हो जाएगा आप किसके साथ रहते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप एक नई सृष्टि बन जाए, आप मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश करें और प्राण देने तक यीशु मसीह के समान सभी से प्रेम रखें, किसी की ठोकर का कारण न बने। यदि आप किसी से नफरत रखते हैं तो बाइबल कहती है ये हत्या के समान है और किसी भी हत्यारे का अनंत जीवन में प्रवेश कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप प्रेम की सी चाल चले, जीवन की आखिरी सांस तक। आज हमारे आसपास के संसार में लोग प्रेम करना भूल गए, हर एक व्यक्ति अपनी भलाई को देख रहा है, अपनी भलाई के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उसको किसी का नुकसान करना भी पड़ जाए, मगर बाइबल की शिक्षा ऐसी नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा अंत तक प्रेम रखो, यही परमेश्वर की इच्छा है क्योंकि हम प्रभु के संतान हैं। हाँ प्रियो, और इस रीति से आपको सभी के साथ मेल मिलाप का जीवन जीना है, सभी दीन दरिद्र अनाथ विधवा कंगालों के लिए आपको आशीष बनना है, क्योंकि बाइबल में हम आगे ऐसा पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3:16 में, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हाँ प्रियो, हमने सच्चे प्रेम की परिभाषा यीशु मसीह से सीखी। स्वर्ग के पिता ने हम सबसे कैसा महान प्रेम किया जिसके द्वारा हम बचाए गए, अनकंडीशनल लव, कोई शर्त नहीं रखी हमसे,
मगर हमसे प्रेम करने के लिए, हमें बचाने के लिए बिना किसी शर्त के उसने अपना प्राण बलिदान कर दिया। ऐसे ही जीवन हमें जीने के लिए प्रभु ने बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जान देने से असंख्य लोगों ने जीवन में प्रवेश किया है और बहुत से लोग जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु ने आपको भी इसी प्रकार से जीवन को जीने के लिए बुलाया। जब आप इस रीति से अपना जीवन जिए, यहां तक कि प्राण देने तक आप ऐसा जीवन जिए, तो बहुतों के लिए आप आशीष बनेंगे, आप बहुतों को बचा पाएंगे, आप प्रेम के द्वारे लोग को बचा पाएंगे। बुराई से मत हारो परंतु भलाई से उसका जीत लो। यदि यीशु मसीह के खातिर लोग आपका विरोध करते हैं, आपको सताते हैं, अचंभा ना करें, शिकायत ना करें, वॉय गॉड परंतु आनंद करें। बाइबल कहती है आनंद करें, क्योंकि ये आपको ज्ञात होगा कि आप प्रभु की संतान है। आपको इसी रीति से सबको बचाना है। हम अंतिम दिनों में हैं और अंतिम वक्त बहुत ही भयानक है। अभी से अपने आप को समर्पित कीजिए। प्रेम का जीवन जीकर ही आप स्वर्ग राज्य पहुंच सकते हैं। बलिदान के द्वारा ही आप प्रभु को और उसकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। यदि आप उसके नाम के खातिर बलिदान किए जाते हैं, आप अपनी जिंदगी को फिर से पाएंगे, परंतु जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज के संदेश के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज इस संदेश को जितने भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपने उनके जीवन से बातचीत की है। हाँ, क्योंकि उन्होंने आप पे विश्वास किया है और आपको अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है, इसलिए इनके आसपास के लोग इनका विरोध करते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, इनका ठट्ठा करते हैं, इनकी निंदा करते हैं। हो सकता है प्रभु ये रात और दिन आंसू बहा रहे और प्रभु ये अपने जीवन में बहुत परेशान है, वेदना से होके आ रहे, मगर आज आपने अपने संदेश के द्वारा इनसे बातें की है। प्रभु आप भी हमारे खातिर सताए गए तो भी आपने अंत तक प्रेम किया, वरन क्रूस की मृत्यु तक आपने क्षमा की प्रार्थना की। उसी प्रकार से आज प्रभु मेरे लोगों को ढांढस दें, मेरे लोगों को शांति दें, मेरे लोगों को बल दें, ताकि वो भी अपने विरोध में उठने वालों के लिए प्रार्थनाएं करें, उनको क्षमा कर दे। प्रभु आज ही आप अपना पवित्र आत्मा इनके जीवन पर उंडे ले, कि सारा शोक इनका आनंद में बदल जाए। बजाय शिकायत करने के, अचंभा करने के, प्रभु ही आपको धन्यवाद दे। स्वामी जब आपके चेलों ने आपके खातिर दुख उठाया, उन्होंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे नाम के खातिर हम कोड़े खाने योग्य हुए। इस रीति से प्रभु ये भी आपको धन्यवाद करें कि आपके नाम के खातिर इनको दुख मिलते हैं। सो प्रभु ये निराश ना हो, आप इनका बल बढ़ा दे, इन्हें पवित्र आत्मा से भर दे और आप इन्हें विश्वास योग्य पात्र बनाए रखें जीवन की आखिरी सांस तक। इनके घाव को चंगा करें, अपने तमाम दास दासियों को, उनके परिवारों को, उनके बाल बच्चों को सुरक्षा दे। मैं आपका पवित्र लहू उनके जीवन पर बांधता हूं। आप इनकी सेवा को सुरक्षा दे, आप इन्हें आने जाने में सुरक्षा दे, हर विरोधी से, शत्रु से आप इन्हें बचा ले। उन्हें इनके शत्रु इनकी जिंदगी में आपको देखकर बदल जाए, इनके जीवन में आपकी भलाई को देखकर बदल जाए। आप इन्हें बड़ी कृपा दे, मर्सी अपॉन एवरीवन, आप इन पर दया करें। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना को सुना। हर एक वो व्यक्ति जिस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है, आप उनके जीवन में चमत्कार करें, आप आश्चर्यकर्म करें इनके जीवन में। जो भी इनकी प्रार्थनाएं आपसे कर रहे हैं, सुन लीजिए और चमत्कार को कीजिए। मैं आपके पवित्र नाम से चमत्कार की घोषणा करता हूँ, आशीष देता हूँ। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन। गॉड ब्लेस यू।